हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। और ये शाम का ब्लॉग है और मैं शाम को ब्लॉग बना रही हूँ। और ये है सारे कपड़े जो धूप से सूखे हुए हैं, जिसे मुझे फोल्ड करना है लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। वो क्या ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं बता नहीं सकती। और आप सभी को तो पता ही होगा कि समर सीज़न में कितना ज़्यादा पसीना होता है। और पसीना छोड़ो, कुछ करने का मन नहीं करता। और कूलर पंखा तो इतना ज़्यादा चल रहा है कि अगर थोड़ा सा कहीं बाहर रूम के चले जाओ ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि बस मन करता है कि पंखे और कूलर के सामने ही बैठे रहो। हे गाइस, तो अभी ना मैंने अपने बाल बिल्कुल बांधे नहीं हैं। सुबह से मतलब बाल धुले जा संडे थे, संडे को बाल धुले जाते हैं, मतलब धुल ली हूँ मैं, लेकिन बस एक ही टाइम का बाल जा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको कंघी नहीं किए हैं और मन भी नहीं कर रहा। बाद में ऐसे ही फोल्ड करके कर लूँगी। कंघी करने या ना करने का इस टाइम तो कोई मतलब नहीं निकलना है कुछ खास, तो इसकी वजह से मेरे बाल ऐसे थोड़े से हैं। और पता नहीं ना क्यों मेरे स्कैल्प में आजकल लगभग 2-3 हफ्तों से ना बहुत इचिंग सा हो रहा है। शायद पसीने वसीने की वजह से हो रहा होगा। मैं बार बार उधर इसलिए देख रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि मेरा बच्चा बाबू क्या कर रहा है, उसकी वजह से। और कोई आ जाता है थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। अगर ब्लॉगिंग करो ही, आवाज़ करो, कोई फ़ोन के आसपास आ जाता है ना, थोड़ा अजीब सा लगने लगता है कि क्या कर रहा है, यहाँ पे कितना पसीना हो रहा है मुझे। ओ माय गॉड। हे गाइस, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना फूट फूट के एकदम से। और पानी ना, आजकल तो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है गर्मियों में। पहले के ज़माने में अच्छा था कि मटके का पानी पीने को मिलता था। अब के ज़माने में तो सब लोग फ्रिज रख लिए हैं। फ्रिज का पानी वैसे भी पीना ज़्यादा सही नहीं रहता, लेकिन अपने अपनी चॉइस है जिसको जो पीना रहे। और बताइए कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी खाना वाना नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी पापा ना सब्ज़ी लाने के लिए गए हैं। इसलिए अभी पापा सब्ज़ी लाने के लिए गए हैं और इसकी वजह से अभी मैं खाना नहीं बना रही हूँ। बच्चे लोग भी गए हैं पापा के साथ मार्केट, तो वो लोग भी आएंगे तो पूछूंगी उन लोगों को क्या खाना है, तो फिर उसके हिसाब से बनाऊंगी। और ये जो बार बार से सिकी सिकी सा होते रहता है ना, वो फ़ोन को पकड़े रखी हूँ, तो इसके वजह से ना थोड़ा सा फ़ोन डिसबैलेंस होते रहता है, हिलता ही रहता है। तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा जो सिकी सिकी सा होता है, प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। हेलो गाइस, तो पापा ना शाम को आने में बहुत टाइम लगा दिए थे, तो इसकी वजह से मैंने पहले ही रोटी बना ली, क्योंकि पापा को आने में बहुत टाइम लगा, तो इसकी वजह से पहले रोटी बना के रख दी ताकि बच्चों को भूख लग रही थी। और मैंने सोचा कि बना दूंगी तो बच्चे जल्दी से खाना खा लेंगे। तो आलू बोड़ा की सब्ज़ी, मतलब आलू बोड़ा, प्याज, टमाटर, करेला, यही सब लाए थे पापा। तो शाम का टाइम था तो इसलिए मसाला वाली सब्ज़ी बनाना ज़रूरी था, तो आलू बोड़े टमाटर की सब्ज़ी बन रही थी। पहले कढ़ाई रख के अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें तेल और पचफोरन और जीरा डाल दिया। जब ये हो गया तो कटा हुआ प्याज और लहसुन अदरक और इसका पेस्ट मिर्च का अच्छे से डाल के गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी। और लगभग ये हो ही गया है, और जब ये अच्छे से हो जाएगा तो इसके बाद इसमें मैं बोड़ा डाल दूँगी। और जब बोड़ा भी अच्छे से हो जाएगा, अभी तो मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी ताकि नीचे से लगे ना, ये लगभग हो गया गोल्डन कलर में, आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं इसमें बोड़ा ऐड डाल दूंगी, और बोड़ा अच्छे से डालने के बाद इसको भी मैं लगभग 6-7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूंगी, अच्छे से भूनूंगी, ताकि ना इसमें बिल्कुल भी कच्चा जैसा ना लगे, एकदम बढ़िया से हो जाए। तो इसको देखिए हो चुका है हल्का हल्का गोल्डन टाइप का, और अच्छे से बोड़ा भून लेना तो उसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। और पहले बोड़ा भूनना चाहिए, उसके बाद आलू डालना चाहिए। और अगर आलू और बोड़ा दोनों एक साथ डालना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा भूनने में, तो इसके वजह से मैंने पहले बोड़ा भून लिया, अच्छे से फ्राई कर लिया, और उसके बाद मैंने आलू इसमें डाल दिया। इसको भी हल्का सा फ्राई करूँगी, मतलब हल्का सा चला लूँगी, और उसके बाद भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक डाल के भी मैं थोड़ा सा चला लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गर्म मसाले डालूँगी,
और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट मैंने अलग से बना के रखा था, उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। पहले भी मैंने भूनते टाइम भी डाला था लहसुन का पेस्ट और इस टाइम भी। इस तरीके से बनाने से ना सब्जी में एक अच्छा टेस्ट, अच्छा फ्लेवर का टेस्ट आता है लहसुन का, मतलब लगता है कि हाँ सब्जी बहुत ही टेस्टी है। तो ये लगभग मेरे मसाले हो चुके हैं, इनको भी मैंने अच्छे से भूना है और ये भी लगभग लगभग मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें पानी डालूंगी मैं, इसमें लगभग 2 कटोरी पानी डालूंगी। और 2 कटोरी इसलिए डाल रही हूँ ना कि आधा पानी तो वैसे भी पकते टाइम जब सब्जी पकेगा तो फिर वो सोख लेता है अपने में, तो ये कम हो जाएगी। देखने में इतना है लेकिन ये जब बन जाएगा सब्जी तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से ढक दूंगी, और तब तक बच्चे भी आके बुलाने लगे कि मम्मी खाना बनाया कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने रोटी थाली में से उसमें रख दिया और यहाँ बच्चे आ गए हैं, तो फिर मैं बोल रही हूँ कि खाना बन गया है। फाइनली गाइस, तो खाना बन चुका है और खाने में वही सब्जी रोटी बना जो जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई दिया। तो सब्जी रोटी और दही और सलाद, यही था आज के खाने में। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने थाली क्यों नहीं दिखाई, तो थाली इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि खाना जब मैं बना रही थी तभी सब लोग खाना फटाफट से खाने लगे और फ़ोन मेरा बेटा देख रहा था कार्टून, तो इसके वजह से मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो जितना हो सका मैंने उतना आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोग एन्जॉय इस वीडियो को किए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन फटाफट से पहुँच जाए।